अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू विल बी फाइन। हमारा आज का जो टॉपिक है वो एसिम्प्टोट्स ऑफ हाइपरबोला, देन पेयर ऑफ लाइंस एंड देन देयर टेंजेंट्स एंड स्ट्रेट एंड एंगल्स के दरमियान बारे में है। ठीक है, सबसे पहले हम एसिम्प्टोट्स देखते हैं। जब हम एसिम्प्टोट की बात करते हैं तो हम स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं। ठीक है, तो एसिम्प्टोट हमारे पास किसी भी कर्व हमारे पास कुछ भी हो सकती है, पैराबोला, हाइपरबोला, सर्कल, एलिप्स, कुछ भी हो सकती है। तो उस किसी भी कर्व का ऊपर हम एसिम्प्टोट ड्रॉ करते हैं। अब एसिम्प्टोट होता क्या है? असल में एसिम्प्टोट स्ट्रेट लाइन होती है। ये स्ट्रेट लाइन कैसे आती है? जैसे जैसे आपका एक्स इन्फिनिटी को अप्रोच करता है तो आपके पास ये जो कर्व है ये स्ट्रेट लाइन बनती जाती है। ठीक है, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में हाइपरबोला ड्रॉ किया था, यही हाइपरबोला हमने लास्ट लेक्चर में ड्रॉ किया था। हाइपरबोला की असल जो हमारे पास डायग्राम थी वो ये दो हाफ सर्कल्स थे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा, हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की थी सेंटर से क्रॉस कर रही थी जो। ठीक है, ये जो स्ट्रेट लाइन थी, ये वाली स्ट्रेट लाइन आप अगर देखें, जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी ये जो स्ट्रेट लाइन है ये हाइपरबोला के करीब करीब तो आती जाएगी लेकिन कभी इसको टच नहीं करेगी। ठीक है, तो ये वाली जो दो स्ट्रेट लाइन्स हैं ये दोनों इस गिवन हाइपरबोला के एसिम्प्टोट्स होते हैं। ठीक है, तो हमारा अब जो पहला टॉपिक है वो यही है कि हमने हाइपरबोला के एसिम्प्टोट्स देखने। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक हाइपरबोला है। ठीक है, इसका सेंटर फॉर एग्जांपल 0 0 निकला था, इसके वर्टिसेस ए और ए डैश थे। फोकस जो है वो वर्टेक्स के सामने हमारे पास आता है, ये F1 एंड F2, ये दो फोकस निकले होंगे इसके। ठीक है, और ये जो ब्लैक कलर का ड्रॉ किया हुई ब्लैक ग्राफ जो है ये हाइपरबोला का ग्राफ है, और ये जो ब्लू लाइन है ये इसका एसिम्प्टोट्स बना रही है। ठीक है, अब ये जो एसिम्प्टोट्स हैं ये स्ट्रेट लाइंस हैं, तो हमारे पास इसके लिए एक थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, हमने पहले ये करना है उसके बाद हम आगे चलते हैं। अच्छा, एसिम्प्टोट्स पर हाइपरबोला के एसिम्प्टोट्स निकालने से पहले हम थोड़ा सा एसिम्प्टोट्स को ज़रा डिटेल में देखते हैं कि क्या होता है। हमने एक डेफिनेशन इसकी देखी पीछे कि जैसे जैसे कर्व के अंदर एक्स जो है वो प्लस माइनस इन्फिनिटी को जाता है तो जो कर्व है हमारी वो स्ट्रेट लाइन में बदल जाती है और वो जो नई स्ट्रेट लाइन आती है वो एसिम्प्टोट कहलाती है। ठीक है, ये तो हाइपरबोला के लिए एग्जाम डेफिनेशन सेटिस्फाई होती है, लेकिन अगर हम इन जनरल एसिम्प्टोट को देखें तो इन जनरल इसकी डेफिनेशन ये कहती है कि अ स्ट्रेट लाइन एल इज़ कॉल्ड एन एसिम्प्टोट ऑफ द कर्व सी इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन एल एंड सी अप्रोचेज टू ज़ीरो एज डिस्टेंस मूव अलोंग एल। इसका मतलब ये है कि हमारे पास कोई भी कर्व जो है, कर्व सी है, वो स्ट्रेट लाइन में कब बदल जाएगी? अगर आप सी का और एल का, यानी लाइन का और कर्व का आपस में डिस्टेंस लें और वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाए और वो डिस्टेंस ज़ीरो के बराबर होता जाए। कब ज़ीरो के बराबर हो जाएगा? जब आपके पास वो जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ज़ाहिर है किसी पॉइंट से नापा जाता है, तो आप एल का कोई फिक्स पॉइंट लें, उससे डिस्टेंस नापना शुरू करें, और वो जो जैसे जैसे आपके पास लाइन जो है वो इन्फिनिटी को जाएगी, जैसे जैसे लाइन जो है वो आगे बढ़ती जाएगी इन्फिनिटी की तरफ, वैसे वैसे जो डिस्टेंस है वो कम होता चला जाएगा। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं, अगर आप यहाँ पे देखें, अगर आप ये दोनों लाइनें मज़ीद ड्रॉ करते जाएं तो ये दोनों लाइनें एक दूसरे के करीब आती जाएंगी। अब क्योंकि हम इन्फिनिटी पॉइंट तक ड्रॉ नहीं कर सकते, तो हम अगर इसको इन्फिनिटी पॉइंट तक ड्रॉ करें तो ये जो दोनों लाइनें हैं ये दोनों एक दूसरे को मीट कर जाएंगी, तो ये एसिम्प्टोट बन जाएगा। ठीक है, ये ब्लू लाइन और ब्लैक लाइन, हर पॉइंट से, किसी भी फिक्स पॉइंट से आप डिस्टेंस निकाल लें तो जैसे जैसे आपका जो डिस्टेंस है, जैसे जैसे आप आगे इन्फिनिटी की तरफ टेंड करते जाएंगे, वैसे वैसे ये डिस्टेंस जो है वो ज़ीरो होता जाएगा। ठीक है, तो अब एसिम्प्टोट्स जो हैं वो टोटल 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले हम अगर लेते हैं एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी या वाई अप्रोचेस, एक्स अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी, अगर हम लिमिट्स लेते हैं हम एसिम्प्टोट्स में बेसिकली, या एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी, इसी तरह वाई अप्रोचेस टू इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी। अगर आप एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी करते हैं या माइनस इन्फिनिटी करते हैं और जो वाई की वैल्यू वो किसी कांस्टेंट वैल्यू के बराबर आ जाती है, तो जो वाई इज़ इक्वल टू ए, ये जो कांस्टेंट आया था ये कहलाता है, क्योंकि हमने एक्स वाली लाइन को इन्फिनिटी को अप्रोच करवाया था। इसका मतलब है ये हमने हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट निकाला है। जो एक्स के अलोंग लाइन होती है वो हॉरिजॉन्टल होती है, जो ऊपर से नीचे की तरफ आती है उसको हम वर्टिकल कहते हैं। तो सिमिलरली अब वर्टिकल पे आते हैं, जब वाई अप्रोच करता है इन्फिनिटी को या माइनस इन्फिनिटी को, तो एक्स अगर कांस्टेंट हो जाए तो जो एक्स इज इक्वल टू ए कांस्टेंट वैल्यू आई थी ये वर्टिकल एसिम्प्टोट कहलाएगा। अब अगर आप ये देखें कि हमारे पास हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट में वाई कांस्टेंट था और वर्टिकल एसिम्प्टोट में एक्स कांस्टेंट था, मींस दूसरा वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं हो रहा था। ठीक है, इसी तरह अगर आप कभी एक्स अप्रोच
अप्रोच इन्फिनिटी और वाई अप्रोच इन्फिनिटी करें और सॉरी एक्स अप्रोच प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी करें और वाई की वैल्यू कॉन्स्टेंट की बजाय कोई इक्वेशन आ जाए और वो इक्वेशन ऐसी हो जिसमें एक्स आता हो, तो फिर ऐसा जो एसिम्प्टोट है ये ना तो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट कहलाता है ना ही ये वर्टिकल एसिम्प्टोट कहलाता है। ऐसे एसिम्प्टोट को हम ओब्लीक एसिम्प्टोट बोलते हैं। ओब्लीक एसिम्प्टोट मीन्स ऐसा एसिम्प्टोट जो कि स्ट्रेट लाइन के बराबर आ रहा है। वाई इज इक्वल टू है तो ये एक्स, वाई इज इक्वल टू ए, एक्स इज इक्वल टू ए भी स्ट्रेट लाइंस थी, लेकिन यहाँ पे वाई जो है उसका एसिम्प्टोट एम एक्स प्लस सी यानी थोड़ी सी टेढ़ी लाइन आएगी, ठीक है। यहाँ पे एम स्लोप है, एक्स हमारे पास वेरिएबल है और सी हमारे पास वाई इंटरसेप्ट है, ठीक है। तो हमारे पास y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की जो फॉर्म आएगी, ये वाली जो फॉर्म बनती है एम एक्स प्लस सी का मतलब है हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो 2x प्लस थ्री या अकेला 2x भी आ सकता है या अकेला x या माइनस x या कुछ भी, यानी जिसमें वेरिएबल इन्वॉल्व हो जाए। तो ऐसे एसिम्प्टोट को हम बोलते हैं कि ये ओब्लीक एसिम्प्टोट है, या हम इसको कहेंगे कि ये ना तो वर्टिकल एसिम्प्टोट बना ना ही हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट बना। अब हम देखते हैं हमने एसिम्प्टोट्स निकालने कैसे हैं। ये हमारा टॉपिक है 7 चैप्टर का पहला टॉपिक है, तो अगर हम एसिम्प्टोट्स निकालना सीख लेंगे तो हमारे पिछले चैप्टर के जो हाइपरबोला या पैराबोला या कहीं पर भी हमें एसिम्प्टोट्स निकालने हैं तो हम वही वाले स्टेप्स जो हमने यहाँ लगाने हैं इस चैप्टर में वो वहाँ पर भी अप्लाई हो जाएंगे। तो हम इसलिए इसको पहले डिटेल से देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट। हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट में हमने देखा था कि हमने इक्वेशन के अंदर एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पुट करना है, लेकिन आप उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, आपके पास कोई भी अगर इक्वेशन गिवन है, फॉर एग्जांपल 2xy प्लस 2y इज इक्वल टू x माइनस 2 की पावर 2 गिवन है, ठीक है, आपने इसका हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट निकालना है। अब हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट के लिए आप सबसे पहले इस इक्वेशन को y इज इक्वल टू f ऑफ x की फॉर्म में चेंज करेंगे। वो कैसे करेंगे कि y एक तरफ रह जाए, हम इसके अंदर से y कॉमन ले लेते हैं अगर ठीक है, तो y इक्वल आ जाता है x माइनस 2 की पावर 2 ओवर 2x प्लस 2 इसका स्क्वायर, ठीक है। इसको अगर हम मज़ीद सिंपलीफाई करके लिखें तो ये आ जाता है x माइनस 2 की पावर 2 ओवर 2 कॉमन ले लें नीचे वाले में से, सॉरी ऊपर यहाँ पे स्क्वायर के बगैर आ रहा था, x प्लस 1, ठीक है। अब ये आपके पास आ गया y की इक्वेशन, y इज़ इक्वल टू f ऑफ x वाली फॉर्म बन गई, ठीक है। तो अब आपने यहाँ पे दो काम करने हैं। सबसे पहले हम वर्टिकल एसिम्प्टोट अगर निकालना चाह रहे हैं तो आपने y को इन्फिनिटी पुट करना है, अगर आप हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट निकालना चाह रहे हैं तो आपने x को इन्फिनिटी पुट करना है, ठीक है। तो अब x को इस इन्फिनिटी करने से पहले आपके पास ऊपर और नीचे 0/0 इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी आपने यूँ लेना है, अप्लाई लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पे y क्योंकि इस साइड पे y है नहीं, x है नहीं, तो हमें y आ जाएगा। दूसरी साइड पे आप लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी x माइनस 2 स्क्वायर ओवर, इसके हम स्क्वायर को अगर ओपन कर दें तो ये क्या बनता है, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 और नीचे आ गया 2 इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है। तो हमने डायहॉपिटल रूल में देखा था अगर हम ऊपर नीचे इन्फिनिटी इन्फिनिटी पुट करते हैं तो ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म आती है। बाय यूजिंग डायहॉपिटल रूल हम इसको डेरिवेटिव वाले मेथड से सॉल्व करेंगे, x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 2x माइनस 4 ओवर 2 इंटू 1, ठीक है। ऊपर नीचे 2 कॉमन आता है तो लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 2 इंटू x माइनस 2 ओवर 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये आपके पास लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी x माइनस 2, अगर लिमिट अप्लाई कर दें तो जवाब आता है इन्फिनिटी। हमने यहाँ पे देखा कि जब y अप्रोच कर रहा था इन्फिनिटी को तो x अप्रोच कर रहा था इन्फिनिटी, लेकिन x तो कांस्टेंट आना चाहिए था, इट मींस के हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें तो हमारे पास इक्वेशन नंबर वन does not have any horizontal asymptote, ठीक है।
यह हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट कोई नहीं है इसका। नेक्स्ट हमारे पास इक्वेशन, ये हमने हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट निकाल लिया, अब हम वर्टिकल एसिम्प्टोट के लिए भी देखते हैं और ओब्लिक एसिम्प्टोट के लिए भी इसको देखेंगे। सबसे पहले अब हम वर्टिकल एसिम्प्टोट की बात करते हैं। फॉर वर्टिकल एसिम्प्टोट आपके पास इक्वेशन है टू एक्स वाई प्लस टू वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस टू की पावर टू। इसमें से आप y कॉमन ले लें, टू एक्स प्लस टू इज इक्वल टू एक्स माइनस टू का स्क्वायर। ठीक है, अब आपने फिर अगेन यही करना है जैसे हमने पहले किया था कि y इज इक्वल टू एक्स माइनस टू स्क्वायर ओवर टू इंटू टू एक्स प्लस टू, सॉरी टू कॉमन ले लिया तो x प्लस वन। ठीक है, आप इस तरह से निकाल लें कि वाई अप्रोचेस टू इन्फिनिटी कहाँ आएगा, जब एक्स की वैल्यू माइनस वन पुट करेंगे, या आप इसको रेसिप्रोकल ले लें, वन ओवर वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस टू की पावर टू ओवर इसका इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा, तो ये बनेगा टू इंटू एक्स प्लस वन ओवर एक्स माइनस टू का स्क्वायर। अब हम यहाँ पे लेते हैं y अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, जब आप y को इन्फिनिटी अप्रोच करवाते हैं तो दोनों तरफ लिमिट अप्लाई कर दें, लिमिट y अप्रोचेस टू इन्फिनिटी वन ओवर y, दूसरी तरफ y है नहीं तो हमें लिमिट भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, x प्लस टू का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे वन ओवर इन्फिनिटी क्या बनेगा, ज़ीरो इज इक्वल टू टू इंटू एक्स प्लस वन ओवर एक्स प्लस टू का स्क्वायर। डिनोमिनेटर दूसरी साइड पर जाएगा तो टू इंटू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो आ गया, और यहाँ से एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो या एक्स इज इक्वल टू माइनस वन। अब ये कॉन्स्टेंट वैल्यू आई है, इट्स मीन्स के जब वाई अप्रोच करता है इन्फिनिटी को तो एक्स अप्रोच करता है माइनस वन को। ठीक है, ये कॉन्स्टेंट वैल्यू आई, सो एक्स इज इक्वल टू माइनस वन इज वर्टिकल एसिम्प्टोट। ठीक है, ये आपका वर्टिकल एसिम्प्टोट बन गया। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, हमने देखा है इसका हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट इस इक्वेशन का कोई नहीं था, वर्टिकल एसिम्प्टोट इस गिवन इक्वेशन का हमने निकाला, माइनस वन आ गया एक्स की वैल्यू। अब हम निकालते हैं इसका ओब्लिक एसिम्प्टोट। फॉर ओब्लिक अब ओब्लिक एसिम्प्टोट कैसे निकालेंगे, जो आपके पास गिवन इक्वेशन है टू एक्स वाई प्लस टू वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस टू की पावर टू, इसके अंदर आप पुट कर दें y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। हमने यही बोला था कि जब x अप्रोच करता है इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी को तो फिर आपके पास जो है y एम एक्स प्लस सी की शक्ल का आना चाहिए, तो हम ये पुट करते हैं और फिर लिमिट लगा देते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास 2x y था तो y की जगह एम एक्स प्लस सी प्लस 2y तो एम एक्स प्लस सी इज इक्वल टू x माइनस टू की पावर 2। ठीक है, इसको हम ओपन करते हैं तो ये बनता है 2mx की पावर 2 प्लस 2cx प्लस 2mx प्लस 2c, और ये जो x square माइनस 2 है इसको हम ओपन कर देते हैं, x की 4 x की 2 माइनस 4x प्लस 4, 2mx का square प्लस 2cx प्लस 2mx प्लस 2c, सारी टर्म्स इस साइड पे आ जाएंगी, माइनस एक्स की पावर 2 प्लस 4x माइनस 4 इक्वल टू 0। हमने इसको इक्वल टू 0 वाली फॉर्म बना दी है। अब जहाँ जहाँ पे एक्स स्क्वायर एक्स और एक्स नो या कांस्टेंट टर्म, इनको हम इकट्ठा कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर वाली कौन कौन सी टर्म पड़ी हुई है, 2m पड़ी हुई है और इधर माइनस 1 पड़ी हुई है। ठीक है, इसके बाद x वाली कौन कौन सी टर्म पड़ी हुई है, सबसे पहले आपके पास 2c है, फिर 2m है, फिर प्लस 4 है, और आखिर में कौन सी कॉन्स्टेंट टर्म्स बच रही हैं, प्लस 2c और माइनस 4। ठीक है, तो अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, आपके पास जो भी इस तरह की इक्वेशन बनेगी उसकी मैक्सिमम, उसमें x की कोई ना कोई मैक्सिमम पावर होगी, इसमें x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2, तो हम सबसे पहले x की पावर 2 पे इसको डिवाइड करते हैं, डिवाइड बाय x की पावर 2, तो हमारे पास इक्वेशन बन जाती है 2m माइनस 1, जब ये x की पावर 2 पे डिवाइड हुआ तो x की पावर 2 कैंसिल,
एक्स है ऊपर नीचे एक्स का स्क्वायर, तो ये बनेगा 2c 2m + 4, और इसके साथ 1/x आ जाता है। इसी तरह 2c - 4 इसके साथ बटे में x की पावर 2 आ जाती है। ठीक है, 0 को एक्स स्क्वायर पे डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाता है। अब हम पहले लिमिट लगाते हैं, अप्लाई लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो जब हम लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे, फर्स्ट टर्म में लिमिट नहीं लगेगी, ये वैसे ही आ गई है क्योंकि इसके अंदर x नहीं था। सेकंड टर्म पे हम लिमिट लगाते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 2c + 2m + 4/x। इसी तरह लास्ट पे भी लिमिट लगाते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 2c - 4/x^2 = 0। ठीक है, अब यहाँ से क्या हुआ कि जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये टर्म भी ज़ीरो हो गई क्योंकि बटे में इन्फिनिटी आ रहा है इसमें भी और इसमें भी, तो ये बनती है 2m - 1 + 1/∞ + 1/∞। ठीक है, इट मीन्स ये बना 2m - 1 = 0 + 0 = 0। ठीक है, या 2m - 1 = 0। यहाँ से अगर हम m की वैल्यू निकालें तो वो आती है 1/2। m आ गया, अब आपको c की कीमत भी निकालनी है। तो नाउ फॉर द वैल्यू ऑफ c, c की वैल्यू के लिए हमें क्या करना है कि आपके पास ये जो इक्वेशन आई हुई थी ये वाली, इस इक्वेशन में m को 1/2 पुट कर दें। ठीक है, इस इक्वेशन में m को 1/2 पुट करते हैं। इक्वेशन पहले लिख लेते हैं, क्या आई है, x का स्क्वायर 2m - 1 प्लस x इंटू 2c + 2m + 4 प्लस 2c - 4 = 0। अभी m की क्या कीमत आई है, 1/2, वो पुट कर देंगे यहाँ पे, तो ये आ जाएगा x का स्क्वायर इंटू 2 1/2 - 1 प्लस x इंटू 2c + 2 × 1/2 + 4 प्लस 2c - 4 = 0। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 - 1 = 0 हो गया, तो x square 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये टर्म ख़त्म हो गई, प्लस x, इसमें हमारे पास ये 2 से 2 कैंसिल होता है, 2c + 4 + 1 क्या आया, 5 आ गया। ठीक है, प्लस 2c - 4 = 0। अब ये जो इक्वेशन आई है इसमें x की मैक्सिमम पावर क्या है, 1। x की 1 के ऊपर पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दें, डिवाइड बाय x की पावर 1। पहले हम जो भी x की मैक्सिमम पावर आ रही है उस पर डिवाइड करना है, हमने दो दफ़ा करना है ये प्रोसीजर। पहली बारी में m की कीमत आ जाएगी, m या c की, इसी तरह दूसरी टर्म के लिए भी आपको दोबारा इसी तरह डिवीजन करनी है और उससे आपके पास दूसरा वेरिएबल आ जाएगा जो मिसिंग है। ठीक है, तो अब इसको डिवाइड करते हैं, 2c + 5, इसको जब हम x की पावर 1 पे डिवाइड करेंगे तो ये 2c + 5 बच जाएगा, प्लस 2c - 4/x = 0। लिमिट अप्लाई करें, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये बना 2c + 5 प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 2c - 4/x = 0। हमने इस पे लिमिट पहले वाले पे क्यों नहीं लगाई, क्योंकि इसमें x नहीं था, जीरो वाली साइड पे हमने जब x को डिवाइड किया था तो 0/x = 0। ठीक है, तो उधर भी लिमिट लगाने की ज़रूरत नहीं, और ये वाले टर्म में बटे में इन्फिनिटी आ रहा है तो ये बना 2c + 5 प्लस 1/∞ = 0 एंड 1/∞ = 0। सो 2c + 5 = 0 और यहाँ से c = -5/2, ये आपके पास आ गया c, m भी आ चुका है, c भी आ चुका है। अब आपका y बराबर था mx + c। ठीक है, तो यहाँ से y = m आया है 1/2, x, c आया है -5/2। डिनोमिनेटर में 2 आ रहा है, उसको पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दें, 2y = x - 5। और अगर हम इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन में लिखें, ये आपका एसिम्प्टोट आता है, ओब्लिक एसिम्प्टोट। ठीक है, तो ये हमने एसिम्प्टोट देखा निकालने का कि अगर आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोई कर्व दी हुई है तो आपने उस कर्व के एसिम्प्टोट्स कैसे निकालने हैं। तो उसका सिंपल मेथड हमने तीनों के देखे, एक दफ़ा हम उसको दोबारा से रिपीट करते हैं। हमने सबसे पहले देखा हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट का तरीका। हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट में आपने गिवन इक्वेशन को y = f(x) वाली फॉर्म बनानी है,
इसका मतलब ये है कि y इक्वल के एक तरफ आना चाहिए और x वाली सारी रकमें इक्वल के दूसरी साइड पे, ठीक है। तो ये हमारे पास y और x वाली फॉर्म बन गई। नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट आपने लिमिट अप्लाई कर देनी है इन्फिनिटी, x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अब इस गिवन इक्वेशन में जब हम इन्फिनिटी पुट करते थे तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म आ रही थी। हमने डेल हॉपिटल रूल पढ़ा था, उसमें हमने कहा ऊपर वाले का डेरीवेटिव ले लेते हैं, नीचे वाले का ले लेते हैं। तो हमने ऊपर नीचे डेरीवेटिव ले लिया, सॉल्व किया, तो हमारे पास इसका आंसर इन्फिनिटी आ गया। इट मीन्स कि जब y अप्रोच करता है इन्फिनिटी को तो x भी इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाता है। तो एसिम्प्टोट में तो कांस्टेंट वैल्यू आनी चाहिए थी, तो इसका मतलब है कि हमारे पास y जब इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा था तो कोई हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट नहीं आ रहा था, ठीक है, सॉरी वर्टिकल एसिम्प्टोट। ये y की वैल्यू आई है ना, सॉरी, ठीक है। तो जब x अप्रोच कर रहा था इन्फिनिटी को तो कोई y की कांस्टेंट वैल्यू नहीं आई, इट मींस देयर इज नो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट। नेक्स्ट वर्टिकल कैसे निकालना है, सिमिलर मेथड से y की कीमत ली, अब आपने y वाले को बटे में ले जाना है, ठीक है, y को बटे में कर दिया। नेक्स्ट आपके पास आपने दोबारा y को अप्रोच करवाया इन्फिनिटी को, जब y को इन्फिनिटी को अप्रोच करवाया ये वाली टर्म ज़ीरो हो गई। दूसरी साइड से हम इसके x की कीमत निकालते हैं तो x की कीमत माइनस वन आ गई, ठीक है। तो x की वैल्यू में माइनस वन के लिए ये हमारे पास एक कांस्टेंट कीमत है, तो ये आपका वर्टिकल एसिम्प्टोट आ गया। अब नेक्स्ट हमारे पास ऑब्लिक एसिम्प्टोट, ऑब्लिक एसिम्प्टोट निकालने का तरीका ये है कि इसको ऑब्लिक भी कहते हैं, इसको इंक्लाइंड एसिम्प्टोट भी बोलते हैं, ठीक है, तो दोनों तरह से लिखा जा सकता है। तो इसके अंदर आपने y को एम एक्स प्लस सी पुट कर देना है क्योंकि हमें इसी फॉर्म में इक्वेशन चाहिए, और यहाँ से फिर m और c की कीमत निकालेंगे। किस तरह से निकालेंगे, एम एक्स प्लस सी पुट किया, सिंप्लीफाई करके एक्स स्क्वायर वाली टर्म इकट्ठी कर ली, x वाली इकट्ठी कर ली, कॉन्स्टेंट टर्म से इकट्ठी कर दी। अब पूरी इक्वेशन में जो सबसे बड़ी x की पावर थी उस पर डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने के बाद लिमिट अप्लाई कर दी इन्फिनिटी। जब लिमिट इन्फिनिटी को अप्लाई करते हैं तो ये दोनों टर्म ज़ीरो हो जाती हैं और पहली वाली टर्म में से m या c कोई एक कीमत आपके पास आ जाएगी, ठीक है। हमारे पास इस केस में m की वैल्यू आ गई। अब c की वैल्यू के लिए आपने m की ये वैल्यू दोबारा इसी इक्वेशन में पुट करनी है। जब इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपका x स्क्वायर वाली जो टर्म थी वो एलिमिनेट हो जाएगी, बाकी ये दो बची। इन दोनों में फिर अब x की वैल्यू सबसे बड़ी 1 आ रही है, तो x की पावर 1 पे डिवाइड कर देंगे पूरी इक्वेशन को। x की पावर 1 पे डिवाइड करने के बाद डिवीजन के फौरन बाद हमने लिमिट अप्लाई करनी होती है, तो हमने लिमिट अप्लाई कर दी। लिमिट अप्लाई करने से क्या हुआ कि जब हमने लिमिट अप्लाई की तो आपके पास ये वाली टर्म ज़ीरो हो गई और यहाँ से c की कीमत माइनस 5/2 आ गई। अब हमारा इंक्लाइंड या ऑब्लिक एसिम्प्टोट बराबर था y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एम और c की वैल्यू पुट की, अगर कोई टर्म बटे में आए तो उसको उसका एलसीएम लेके दूसरी साइड पे ले जाएं, ये 2y इज़ इक्वल टू एक्स माइनस 5 आ गया। और इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म अगर लिखते हैं हम इक्वेशन की फॉर्म में तो ये आपका ऑब्लिक एसिम्प्टोट या इंक्लाइंड एसिम्प्टोट निकल आया, ठीक है। तो अब हम लेते हैं हाइपरबोला का एसिम्प्टोट। हाँ जी, हमारा थ्योरम है ये पेज नंबर 221 पे, दैट दी हाइपरबोला, अगर हाइपरबोला की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो यहाँ से फिर एसिम्प्टोट्स निकलते हैं वाई इज़ इक्वल टू बी ओवर ए एक्स और बी ओवर वाई इज़ इक्वल टू माइनस बी ओवर ए एक्स। अब अगर आप देखें कि ये जो एसिम्प्टोट्स निकले हैं इसमें एक्स इन्वॉल्व हो रहा है y के साथ, तो ये हमारा इंक्लाइंड या ऑब्लिक एसिम्प्टोट आ रहा है, ठीक है। इट मींस कि हम तीनों तरह के एसिम्प्टोट निकालेंगे, तो हाइपरबोला का ना तो कोई वर्टिकल एसिम्प्टोट निकलेगा ना ही कोई हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट निकलेगा, बल्कि इंक्लाइंड या ऑब्लिक एसिम्प्टोट निकलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम दोनों तरह की फॉर्म में इसको चेंज करते हैं। अब आपने एक बात का यहाँ पे ख्याल रखना है कि जब आपके पास एक्स के साथ एक्स पॉजिटिव टर्म है ना, यहाँ पे इसके साथ पॉजिटिव अलामत है, वाई के साथ नेगेटिव है, तो जो पॉजिटिव अलामत है उसका जो कॉन्स्टेंट है वो बटे में आ रहा है, ठीक है। एसिम्प्टोट निकालते हुए आपने इस बात का ख्याल रखना है, ये थ्योरम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको यही थ्योरम एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1 गिवन है यहाँ पे, तो ये चेंज होके आपको इस तरह से भी आ सकता है कि वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। तो ऐसे केस में फिर आपका एसिम्प्टोट क्या निकलेगा, ऐसे केस में आपका जो एसिम्प्टोट निकलेगा वो एक्स इज इक्वल टू ए ओवर बी वाई और इसी तरह से x इज इक्वल टू माइनस ए ओवर बी वाई निकलेगा, ठीक है। जो टर्म पॉजिटिव है वो बटे में आ रही है, क्लियर। अब इसका हम प्रूफ करते हैं। अभी मैंने आपको ऊपर मेथड बताया एसिम्प्टोट निकालने का, हम वही मेथड इस पर अप्लाई करते हैं, ठीक है। सबसे पहले
हमारे पास गिवन इक्वेशन है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन। सबसे पहले हम इसका हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट निकालते हैं। अब हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट में हम कहते हैं कि हम इसके अंदर वाई की कीमत के लिए वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर दूसरी साइड पे ले जाते हैं और वन इस साइड पे आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वन फॉर्म बने। एलसीएम ले लें, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा ए स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर। अब वाई एक तरफ होना चाहिए, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। ठीक है, अब आप लिमिट अप्लाई कर दें। लिमिट अप्लाई, लिमिट हॉरिजॉन्टल है तो एक्स लिखेंगे, जब लिमिट अप्लाई करते हैं तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इस पर लिमिट अप्लाई करें तो जवाब आता है वाई स्क्वायर इक्वल टू इन्फिनिटी या वाई इक्वल टू इन्फिनिटी। ठीक है, सो एज एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी वाई की वैल्यू भी इन्फिनिटी आ रही है, इसका मतलब है कॉन्स्टेंट वैल्यू नहीं आ रही। सो इक्वेशन नंबर वन डज नॉट हैव एनी हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट। ठीक है, अब सिमिलरली हम वर्टिकल निकाल लेते हैं। वर्टिकल एसिम्प्टोट के लिए हमारे पास इक्वेशन अभी निकली थी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन निकली थी, ये जो ऊपर निकली है यही मैंने लिखी है दोबारा। ठीक है, सिंप्लीफाई करके तो अब हमने वर्टिकल से पहले इसको दोनों का रेसिप्रोकल ले लेना है, तो ये बनेगा ए स्क्वायर ऊपर आ जाएगा और बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर नीचे आ जाएगा। अप्लाई लिमिट y approaches to infinity a square over b square into x square minus a square, ये 1 over infinity a square over b square into x square minus a square, 1 over infinity is equal to 0, so a square over b square into x square minus a square, ये denominator दूसरी साइड पर जाएगा, a square equal to 0 या a equal to 0 which is not possible क्योंकि हाइपरबोला है, इसमें ए और बी की कोई ना कोई कीमत आएगी लाजमी। ठीक है, सो हमारे पास एक्स की कीमत निकल ही नहीं रही, इन्फिनिटी भी नहीं निकल रही, तो इट मीन्स कि इक्वेशन नंबर वन डज नॉट हैव एनी वर्टिकल एसिम्प्टोट। द लास्ट फॉर्म इज ओब्लिक या इंक्लाइंड एसिम्प्टोट। उसके लिए अब हमें क्या करना है, हमारी गिवन इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन। पहले तो इसके डिनोमिनेटर में जो बटे में टर्म्स पड़ी हैं वो ख़त्म कर दें, बी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर दें, ए स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आपके पास टर्म आ जाती है। ठीक है, इसको अब नेक्स्ट आपने इक्वल टू ज़ीरो फॉर्म बनानी है, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू है, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर स्टार का। अब आपने पुट करना है यहाँ पे वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, ये बन जाएगा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम एक्स प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर ओपन कर लें, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से ओपन हो गया इक्वल टू ज़ीरो, और इसको अगर हम ब्रैकेट्स को ओपन कर दें तो ये बनता है माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस टू ए स्क्वायर एम सी एक्स माइनस
माइनस ए स्क्वेयर सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर वी स्क्वेयर इक्वल टू ज़ीरो। और अगर हम इसको एक जैसी पावर्स में से कॉमन लें तो पहले एक्स स्क्वेयर वाली टर्म्स कौन कौन सी आती हैं, बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर एम स्क्वेयर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एक्स वाली टर्म कौन सी आती है, एक ही पड़ी है, वो है टू ए स्क्वेयर एम सी। और उसके बाद लास्ट कॉन्स्टेंट में टर्म पड़ी है माइनस ए स्क्वेयर सी स्क्वेयर ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। अब सबसे पहले आपको देखना है इस पूरी इक्वेशन में एक्स की सबसे बड़ी पावर कौन सी है, वो है एक्स की पावर टू। इस पर डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय एक्स का स्क्वेयर, तो ये बना हमारे पास बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर एम स्क्वेयर माइनस टू ए स्क्वेयर एम सी। इसके साथ एक एक्स था, एक पे डिवाइड करेंगे, एक कैंसिल हो जाएगा, बाकी एक बचा। माइनस ए स्क्वेयर सी स्क्वेयर, इन दोनों में से माइनस को अगर कॉमन ले लें तो यहाँ पे बटे में एक्स का स्क्वेयर आता है। नेक्स्ट हमने लिमिट अप्लाई करनी है, अप्लाई लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर एम स्क्वेयर माइनस लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी टू ए स्क्वेयर एम सी ओवर एक्स माइनस लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए स्क्वेयर सी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर ओवर एक्स स्क्वेयर इक्वल टू ज़ीरो डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर। ज़ीरो आया था और लिमिट भी अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ी हमें। तो ये बनता है बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर एम स्क्वेयर माइनस ज़ीरो, माइनस ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो मीन्स बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर एम स्क्वेयर इक्वल टू ज़ीरो। हमें m की कीमत चाहिए, ठीक है। तो ए स्क्वेयर एम स्क्वेयर इज़ इक्वल टू बी स्क्वेयर और एम स्क्वेयर इज़ इक्वल टू बी ओवर ए, दोनों का स्क्वेयर और स्क्वेयर रूट अगर ले लेते हैं हम तो प्लस माइनस बी ओवर ए, ये आपका m आ गया, यानी दो m की कीमतें आ गई हैं। अब आप ये दोनों वैल्यूज़ बारी बारी इस इक्वेशन नंबर स्टार ये वाली जो एंड पे इक्वेशन बनी थी इसको हम डबल स्टारिक का नाम दे देते हैं, इसमें पुट कर दें, ठीक है। हम पुट करते हैं पहले m इज़ इक्वल टू बी ओवर ए इन दिस इक्वेशन, ठीक है। अब इक्वेशन क्या है आपकी, ये इक्वेशन है, इसको हम नीचे लिख लेते हैं। तो अब यहाँ से आपके पास हम पुट कर रहे हैं पहले b ओवर a, एक्स का स्क्वेयर इंटू बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर ओवर ए स्क्वेयर, हमने b ओवर a पुट कर दिया, माइनस x इंटू टू ए स्क्वेयर एम आया है b ओवर a c माइनस ए स्क्वेयर सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर इक्वल टू ज़ीरो। ए स्क्वेयर से ए स्क्वेयर कैंसिल हुआ, बी स्क्वेयर पॉजिटिव और नेगेटिव ज़ीरो हो गया, ये टर्म ज़ीरो बन गई, माइनस एक ए कैंसिल हो गया, बाकी एक्स के साथ बच गया टू ए बी सी माइनस ए स्क्वेयर सी स्क्वेयर माइनस, इसमें से अगर माइनस कॉमन ले लें तो ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर इक्वल टू ज़ीरो टर्म बचती है। और यहाँ से इक्वेशन बनी माइनस एक्स इंटू टू ए बी सी माइनस ए स्क्वेयर सी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो अब यहाँ से आपने क्या, अब आपके पास फिर एक इक्वेशन आई है, इसमें मैक्सिमम पावर एक्स की वन है तो डिवाइड बाय एक्स की पावर वन, ठीक है। तो ये बनेगा माइनस टू ए बी सी माइनस ए से ए स्क्वेयर सी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर ओवर एक्स इक्वल टू ज़ीरो ओवर एक्स, यानी ज़ीरो। अप्लाई लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ऑन बोथ साइड्स, तो हमारे पास आ जाता है माइनस टू ए बी सी माइनस लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए स्क्वेयर सी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर ओवर एक्स इक्वल टू ज़ीरो। ये जो बटे में इन्फिनिटी आ जाता है ये ज़ीरो बन जाता है, तो ये बना माइनस टू ए बी सी इक्वल टू ज़ीरो और यहाँ से सी की कीमत आ गई ज़ीरो। ये आपके आई है जब आपने पॉजिटिव बी ओवर सी पुट किया था। सिमिलरली नाउ पुट एक्स इज़ इक्वल टू एम इज़ इक्वल टू सॉरी माइनस बी ओवर ए इन इक्वेशन नंबर डबल स्टेरिक, ठीक है।
ठीक है, अब इक्वेशन क्या थी? ये इक्वेशन थी हमारी, ठीक है, इसके अंदर हमने पुट करना है माइनस बी ओवर ए, तो ये बना एक्स का स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी ओवर ए का स्क्वायर माइनस एक्स टू ए स्क्वायर माइनस बी ओवर ए सी माइनस माइनस कॉमन ले लेते हैं ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो ये बना एक्स का स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, नेगेटिव का जो पावर लेंगे तो वो फिर पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, माइनस एक्स ए से ए कैंसिल हो गया तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया टू ए बी सी माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो ये टर्म कैंसिल हुई, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल होता है तो हमारे पास ये टर्म तो ज़ीरो हो गई, बाकी बचा एक्स इंटू टू ए बी सी माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो डिवाइड बाय एक्स, तो ये आपका बना टू ए बी सी माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर ओवर एक्स इक्वल टू ज़ीरो। और अब लिमिट अप्लाई कर दें तो ये बना टू ए बी सी माइनस लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर ओवर एक्स इक्वल टू ज़ीरो, ये सारी टर्म ज़ीरो हो जाएगी। तो आपके पास आया टू ए बी सी इक्वल टू ज़ीरो, इट मीन्स सी इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो हमारे पास एक्स वाई, हमारे पास इक्वेशन क्या थी, वाई इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। वाई इज़ इक्वल टू एम की वैल्यू अगर आपने बी ओवर ए पुट की थी तो सी ज़ीरो आया था, y इज़ इक्वल टू m की वैल्यू माइनस बी ओवर ए पुट की थी तो c फिर भी ज़ीरो आया था। तो हमारे पास y इज़ इक्वल टू b ओवर ए एक्स एंड y इज़ इक्वल टू माइनस बी ओवर ए एक्स, ये दो इंक्लाइंड एसिम्प्टोट या ओब्लीक एसिम्प्टोट आते हैं, या हम कह सकते हैं यही एसिम्प्टोट आए हैं, इसके अलावा तो कोई और आया नहीं हमारे हाइपरबोला के, तो हम ये कह सकते हैं। और y इज़ इक्वल टू बी ओवर ए एक्स एंड y इज़ इक्वल टू माइनस बी ओवर ए एक्स आर एसिम्प्टोट्स ऑफ हाइपरबोला। कौन सा हाइपरबोला था? एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू वन, ये हमारा रिजल्ट प्रूव हो गया, ठीक है।